ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पूर्व में केवल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और राष्ट्रीय ओपन प्रतियोगिताओं में, जो कि फेडरेशंस करवाते हैं, उसमें मेडल लाने वाले खिलाड़ी ही एलिजिबल होते थे 2% जॉब्स के लिए। उस स्थिति में जैसे मानिए अभी 75,000 नौकरियां हैं, 2% में 1,500 होती है, 1,500 नौकरियां होती तो उसमें एलिजिबल ही 300-400 होते हैं, 1,000-1,200 खिलाड़ी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। वो 2% भी पिछली बार हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के समय में ही हुई, और अभी संशोधन आया है, हमने उसमें संशोधन किया है कि फेडरेशंस के जो ओपन नेशनल्स होते हैं उसके पार्टिसिपेंट्स भी एलिजिबल होंगे, स्कूल नेशनल्स के मेडल विनर, क्योंकि उनका भविष्य है, वो और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो एलिजिबल होंगे, यूनिवर्सिटी नेशनल्स के जो मेडल विनर है वो एलिजिबल होंगे, और इस बार पहली बार हमने पैरा एथलीट्स को भी इसके अंदर डाला है, पैरा एथलीट्स भी नौकरियों के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये क्राइटेरिया हम लोगों ने बढ़ाया। लगभग 20 या 25 ऐसी संस्था है या ऐसे एसोसिएशन है या ऐसे ग्रुप है जो नेशनल खिला रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? हमने एकदम क्लियर लिख दी है, वो जो फेडरेशंस एसोसिएशंस एकदम उनके नाम लिख कर दिए हैं कि इन एसोसिएशन से एफिलेटेड जो टूर्नामेंट्स होंगे उनके विजेताओं के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रावधान है, कोई भी कंफ्यूजन की जगह नहीं छोड़ रही, हमने नाम ही लिख दिए प्रतियोगिताओं के। देखिए 90 से ऊपर परिवेदनाओं का समाधान किया गया, 70% तो हमारा मौके पर ही हो गया, बाकी कुछ थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं तो उसमें हम डिपार्टमेंट से संज्ञान लेंगे, और मुझे लगता है कि ये कदम जो है कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जनसुनवाई करना, रोज़ अगर 150 लोगों की जनसुनवाई होती है तो मुझे लगता है कि जनता को बहुत सुविधा मिल जाती है। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।